हे एवरीवन, दिस इज़ अंशली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एमएससी जूलॉजी फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर, जो कि पेपर सेकंड है एंड पेपर नेम जो है इकोनॉमिक जूलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ। तो क्वेश्चन पैटर्न आपको पता है, 50 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है, 3 आवर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं एंड टोटल 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे। ओवरऑल अगर बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंपल्सरी एंड देर आर 2 सेक्शन। सेक्शन ए से आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं एंड फ्रॉम सेक्शन बी आपको वहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन ही करने होते हैं। सो लेट्स देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। पहला तो आपको शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग देना है। यहाँ पे छोटा सा मिसप्रिंट हुआ है, लेट मी करेक्ट इट। यहाँ पे 100 वर्ड्स दे दिया जबकि ये 200 वर्ड्स में होता है, ठीक है। तो 200 वर्ड्स में आपको आंसर करना है और उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो पहला अगर हम बात करें तो पहले पूछा गया है कि ये देखिए, यस, पहले पूछा गया कि लेदर टैनिंग क्या होती है, ठीक है, ये आपको बतानी है। फिश ब्रीडिंग क्या होती है वो आपको बतानी है, और पॉलीकल्चर क्या है ये आपको बतानी है, आयुषियन रेड डेटा बुक क्या है उसको बताना है, एंड पास्चराइजेशन क्या होता है मिल्क का वो आपको बताना है। सेक्शन ए में आप देखते हैं 1000 वर्ड्स में आपको आंसर देना होता है, उससे ज़्यादा आपका आंसर एक्सीड नहीं होना चाहिए और 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं पढ़ूँ तो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सिल्क फॉर्म, देयर लाइफ साइकिल एंड प्रोसेस ऑफ सिल्क प्रोडक्शन, ओके, डिस्कस अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल एंड देयर एप्लीकेशन इन ह्यूमन मेडिसिन। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया एंड उसके बाद आपको बताना है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेंचुरी एंड नेशनल पार्क एंड गिव डिटेल अकाउंट ऑफ सेंचुरी इन इंडिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सेक्शन से है, गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ वेरियस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम्स एंड मेजर ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न विद द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। सेक्शन बी के क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन बी में आपके अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं, ए एंड बी करके दिया रहता है, दोनों मिला के आपको 1000 वर्ड्स में आंसर करने होते हैं, नहीं एक क्वेश्चन को आपको 500 वर्ड्स में देना होता है। सो पहला अगर क्वेश्चन देखा जाए तो उसमें अगर आप रीड करेंगे तो इसमें बोला गया है कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, वाइट रेवोल्यूशन क्या होता है और जिसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो पर्ल कल्चर क्या है एंड कंजर्वेशन ऑफ एशियाटिक लायन, इसमें अगर आप कर रहे हो ना दोनों ही आपको करना है, ऐसा नहीं कि आप इसमें एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया फिर आप दूसरे सेक्शन में चले गए, ऐसा नहीं होता, आपको इन दोनों में दोनों ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है अगर आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो। नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं तो यहाँ पे पोल्ट्री का डिजीज़ क्या होती है, पोल्ट्री कल्चर में आपने पढ़ा होगा, एंड वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म मैनेजमेंट क्या होता है वो आपको आंसर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करूँ तो ये नेशनल पार्क है और आपको जिम कार्बेट नेशनल पार्क, अभी तो इसका नाम चेंज कर दिया कि रामगंगा नेशनल पार्क जो कि पहले था, तो अभी ये आपको उत्तराखंड में है और उसके बारे में लिखना है। एडवांटेज ऑफ आपको लिखना है एडवांटेज ऑफ बी कीपिंग, यानी बी जो बी एपिकल्चर होता है ना उसके बारे में अगर लिखेंगे तो एडवांटेज ऑफ बी कीपिंग क्या है वो आपको लिखना है। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रहेगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।